नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर में हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी किस लिए की गई ये आप सब जान रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग खबरों के दृष्टिकोण से दिखाते रहे हैं। अब सुनिए कि बाबूलाल मरांडी इस मामले में क्या कहते हैं और सरयू राय का क्या इसमें कहना है। कल से लोगों से ही मिल रहे हैं, आप सब लोगों से भी मिले, और मैं कह सकता हूं कि विशुद्ध रूप से इस जिला के जो पुलिस अधीक्षक जानबूझकर मामला को, जिसे कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग देने की उन्होंने कोशिश की, और ये बड़ा खतरनाक साजिश है। जहां कदमा के शास्त्री नगर की जो घटना है मंदिर की, जो हम लोगों से मिले, कल भी हम मिले लोगों से, तो कहीं से भी कोई हिंदू समाज ने कोई उत्तेजना फैलाई नहीं। मंदिर के झंडा पर जब मांस बांधा हुआ मिला, तब भी पुलिस प्रशासन को लोगों ने सूचित किया, और पुलिस प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया लोगों ने, किसी ने भी इस प्रकार की जो हरकत की है उनको 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और 24 घंटा होने के बाद भी जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो 9 तारीख को शाम 6 बजे लगभग 100 लोग बैठे थे, और जहां 100 लोग बैठे थे उसके ऊपर 1000 लोगों ने हरवे हथियार के साथ जाकर के हमला करते थे, और 6:30 से 9 बजे रात तक ये मामला वहां चलती है। किसी प्रकार से मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने अपनी जान बचाई, और पत्थर जो चली, हम समझते हैं जांच होगी तो ये पता चलेगा, पुलिस को भी चोटें लगी, बिजली को गुल कर दिया गया, और उसके बाद भी हिंदुओं के ऊपर केस कर दिया गया और हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई, और उसमें भी कई, जैसे हमने कहा कि चंदन चौबे है, अभय सिंह है, इन लोगों का तो कोई उस घटना से कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे कई एक लोग हैं। मैंने दो प्रतीक के रूप में कहा कि अभय सिंह को तो घर से उठा, चंदन तो अपने साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ जो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, तो भाई सीनियर SP से वो लोग मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी में अगर कोई मेमोरेंडम देने के लिए जाते हैं, उनको भी पकड़ करके हाथकड़ी लगाते, उसको भी जेल में डालते हैं, और अभय सिंह को तो रात में कितना 3:30 बजे भोर में जाकर के सीसीआर दरवाजा को तोड़ा, फिर घर से उसको ले जाते हैं। भाई कोई वो गुंडा नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते, प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया। तो इसे साफ होता है, यहाँ के जो SSP है, यहाँ के जो DC है, यहाँ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है, जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे थे। आगे का स्टैंड क्या होगा? आगे के मैंने दो बातें कही, एक तो यहाँ के लोग तय करेंगे आंदोलन की, हमने कहा कि पार्टी उसके साथ है, और दूसरा मैंने कहा है कि भाई पूरे मामले की, क्योंकि जब प्रशासन ही निष्पक्ष नहीं तो यहाँ से तो हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि CBI से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, सरकार को जो पसंद हो उसे जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके इसमें कौन कौन लोग शामिल है इस षड्यंत्र। आपकी पार्टी में भी इस मामले को लेकर विरोधाभास है क्या? हमारी पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 किलोमीटर का दूरी तय नहीं कर पाते, आप 150 किलोमीटर तय करके आ जा रहे हैं। चूंकि 2 किलोमीटर वाला तो कहे को आएगा, तो 2 किलोमीटर यही है, वो तो यहाँ दूर वालों को ही आना होता है। वो आपके नेता से मिलने भी नहीं है आपके नेताओं? अब एक दिन में सब लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। अरे कुछ दूरियां हैं क्या, कुछ विशेष है? नहीं, हमें ऐसा नहीं। आपके उनके खिलाफ बहुत शिकायतें भी लोगों ने की, आपको कार्यकर्ताओं ने कल? नहीं, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है।
सरयू राय जी आपसे पिछड़े हैं, उनको जोड़ने का कोशिश हम तो अगल बगल में सब विधानसभा में भी हम लोग अगल बगल ही बैठते हैं, घर वापसी नहीं है, घर वापसी की बातें लगा। अभी सब तो पार्टी का मामला है, बाकी हम लोग तो अगल बगल ही रहते हैं विधानसभा, पूछ लीजिएगा। अगल बगल है लेकिन बीच में गैप नहीं, गैप है भाई, दीवार है, दीवार टूटेगा क्या? अब धारा तो कागज हम आपको देख के बता देंगे कितना। आपसी लड़ाई आपस में चलते रहती है, अगर जहाँ समाज पर संकट आता है तो जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि पांच पांडव सौ कौरव आपस में लड़ते हैं, फिर जब गंधर्वों ने पकड़ लिया दुर्योधन को तो उन्हें भीम से कहा कि जाओ उसे छुड़ाओ, आपसी लड़ाई में मतभेद में हम लड़ते हैं मगर बाहर की लड़ाई में हम पांच और सौ नहीं बल्कि 105 हैं। तो मैं तो उसी तरह से आरंभिक दिनों से ही अभय जी से मिलने से लेकर जो भी कार्यक्रम होता है जहाँ बुलाया जाता है मैं जाता हूँ, और हमने कहा है कि इस मामले में जो भी विश्व हिंदू परिषद तय करे, जो भी यहाँ के पीड़ित लोग हैं वे तय करें, हम उसके साथ रहेंगे। अभी बाबूलाल जी ने घोषणा किया या तो इसकी CBI जांच करा ली जाए या हाईकोर्ट के सीटिंग जज से एक आयोग बनाकर न्यायिक जांच करा ली जाए। सरकार को चाहिए कि दोनों जांच कराए, और नहीं तो हम सभी सरकार पर दबाव डालेंगे इसके लिए। अब केवल जमशेदपुर में ही कार्यक्रम ना हो बल्कि रांची में भी कार्यक्रम हो कि दो विकल्प में से कोई एक मान लीजिए, CBI जांच या न्यायिक जांच। अगला कदम शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बोल दे रहा हूं, खासकर यहां के नौसिखिय जिला प्रशासन को स्पष्ट रूप से, जो लोग बूके देते हैं, आजकल सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी खराबी हो गई है कि जो प्रशासन नौकरशाह को नौकर के तरह रखिए, आप लोग बूके देने मत जाइए, बूके देके उनका मनोबल को आप बढ़ा रहे हैं। हम लोग बूके लेने वाले में से हैं, और यहाँ के IAS IPS अभी बहुत नए हैं, जोश बहुत अच्छा है, होश को भी रखिए, नहीं तो बड़े बड़े IAS IPS को देखे गिर गिराते हम लोग अपने सामने। आम पब्लिक हो, नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो गलत करेगा वो नपेगा, और ये जमशेदपुर है, यहाँ का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ का शराब भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर शराब लग गया तो जिंदगी भर IAS IPS का लेवल तो रहेगा, लेकिन संटिंग में बैठे रहेंगे जैसे बाकी लोग गलत करने वाले बैठते हैं। अभय सिंह के गिरफ्तारी के बाद कई सारे मामले खुल के सामने आ रहे हैं। आज हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था यहाँ पे, अभी हम खड़े हैं काचड़ी मैदान में, हमारे साथ हिंदू जागरण जन जागरण मंच के अध्यक्ष भी है। क्या लगता है किस तरह से रणनीति तय की गई है और क्या आगे किया जाना है? हिंदुत्व की भावनाओं को जो आघात पहुँचाया गया है पिछले दिनों शासन के द्वारा, उसके बाद ये स्थिति बननी थी। आज आप लोगों ने देखा कि हजारों की हजार की संख्या में लोग यहाँ जुटे थे। ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और माननीय बड़े भाई अभय सिंह जी के गिरफ्तारी के विरोध में यह आक्रोश पनपा है। प्रशासन को एकदम स्पष्टता से जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन लोग दोषी हैं और कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। बाकी जो हिंदू महापंचायत के बैनर तले जो निर्णय आएगा, भारतीय जनतंत्र मोर्चा युवा मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते और हिंदू जनजागरण मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, पूरी टीम के साथ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो क्या लगता है कि इतने संख्या में यहाँ लोग जुटे थे तो आगे की रणनीति कैसे तय की जाएगी, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा ही गिरफ्तारी की गई और उनके खिलाफ। और जो भी हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने जो बोला है कि प्रशासन के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी सही होगा उचित कार्रवाई, हमारे हिंदू महापंचायत के जो निर्णय लेंगे उन्हीं के साथ हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पे ये दिखी कि सारे लोग जो हैं एक ही मंच पे दिखे, जो सरयू राय को कल कोस रहे थे वो भी साथ में ही दिखे। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।